हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ और इसको मैं बोल सकती हूँ हैशटैग फिक्स योर पीरियड। यानी कि अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, आई थिंक पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज उसके मैं क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने आई हूँ या फिर जिनको भी प्रॉब्लम थी उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देने आई हूँ और कुछ नए लोगों को उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने आई हूँ। यानी कि अब आप अपने पीरियड्स में स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल डे में करते हैं। और इन लड़कियों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि इस चीज़ को यूज़ करके हम अपने पीरियड्स को फिक्स कर सकते हैं। जी हाँ, हम पीरियड्स के दिनों में भी एक नॉर्मल लड़की की तरह रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल लड़की करती है। क्योंकि जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करते हैं, हम डांसिंग करना प्रेफर नहीं करते, हम इवन स्विमिंग करना प्रेफर नहीं करते, हम योगा करना प्रेफर नहीं करते, मतलब कि हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप की। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल कप की, जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसका जो है आप लोगों से रिव्यू भी शेयर किया हुआ था, साथ इसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ था कि हाउ टू यूज़ और कैसे इसे क्लीन करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन एक छोटा सा मैं सब कुछ इसमें इंक्लूड करूँगी जो लोग भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है। तो देखिए, ये एक मेंस्ट्रुअल कप है जिसे आप 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। सैनिटरी पैड्स काफ़ी महंगे होते हैं, अगर आप सस्ते वाले पे जाएंगे तो वो उतने यूजफुल नहीं होते हैं। लेकिन एक ये छोटा सा कप आप 10 साल तक यूज़ करने वाले हैं और जिसकी MRP बहुत ही कम है, यानी कि एक महीने में भी जितने ही आप पैड नहीं खरीदते हो उतने ये 10 साल आपका चलने वाला है। कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी सी चीज़ हमारे वजाइना के अंदर जा सकती है। सेकेंड चीज़, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि क्या ये हमारे स्किन में इरिटेशन नहीं करेगी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। ये सबसे पहली बात है कि ये स्किन फ्रेंडली है, स्किन फ्रेंडली है जिसकी वजह से स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, इको फ्रेंडली है, यहाँ के बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, बिकॉज ये सिलिकॉन उसका बना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिलिकॉन उसका बना हुआ है, तो बिल्कुल भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। और मैं जो यूज़ करती हूँ वो एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। ऑलरेडी मैंने गिव अवे भी किया हुआ है मेंस्ट्रुअल कप का, और उन लोगों ने इसे यूज़ भी किया हुआ है और काफ़ी अच्छा उसका जो है मुझे रिस्पॉन्स भी दिया है कि काफ़ी अच्छा है। और मतलब मैंने जब लास्ट गिव अवे किया था, जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हुए थे, 25,000 या 15,000 सब्सक्राइबर हुए थे, तब मैंने मेंस्ट्रुअल कप ही गिव अवे किया हुआ था लोगों को और काफ़ी अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला था। क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करती थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ दूँ, एक बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, मैं आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दूँ, इसलिए मैंने इसे बताया और आप लोगों को गिव अवे भी किया। तो कॉन बेस का है, इसीलिए स्किन में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे कि जब हम टैम्पॉन यूज़ करते हैं, पैड्स यूज़ कर सकते हैं और उसे फेंकते हैं, तो वो सही नहीं है एनवायरमेंट के लिए। और ये क्या है, ये आप एक बार खरीद लेंगे तो 10 साल से पहले आप इसे नहीं फेंकेंगे। कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगी, जो आपका ब्लड है वो इसमें आ जाएगा, देन इसी में रहेगा, जब आप यूज़ कर लोगे तो आप इसे इस कप से उस ब्लड को निकाल के देन इसके बाद फिर इसे वॉश करके वो करना है। वो कैसे यूज़ करना है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो सारी चीज़ें जिस तरह से आपको यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपने इसे एक बार परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप पीरियड्स के दिनों में अपना बैक स्टेप ले लेते हैं। अगर आपने एक बार इसे यूज़ किया तो आप चाहे एक खिलाड़ी हो, आप चाहे बैडमिंटन में कोई भी खिलाड़ी हो, आप ऑफिस जाने से कतराते हो, आप कॉलेज जाने से कतराते हो, या फिर आप अपना पूरा काम वाम छोड़ के अगर आपने इसे यूज़ किया तो आपका जो ध्यान है वो पीरियड्स की तरफ जाएगा ही नहीं और आप नॉर्मल गर्ल्स की तरह अपना काम करोगे। मैं अपनी स्टोरी अगर आपसे शेयर करूँ तो व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, मुझे ये मेरा जो मंथली साइकिल है वो स्टार्ट हुआ था। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, देन उस समय मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जस्ट लाइक पैड ही हम यूज़ करते थे और मैंने भी नॉर्मल तरह पैड यूज़ किया। लेकिन मुझे आज लगता है कि अगर उस
में हमारी मदर्स को, हमारी बड़ी सिस्टर को इस कप के बारे में पता होता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, क्योंकि जब एज अ गर्ल आप छोटे होते हो यानी 9th स्टैंडर्ड में होते हो, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप पैड लगाना शुरू करते हो तो आपकी चाल में डिफरेंस आ जाता है, आपकी फेस पे डिफरेंस आ जाता है, जब आप चलते हो तो लोगों को पता चल जाता है कि आपका मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होते हो एज अ पैड लगाने के लिए, वो भारी भारी सा पैड लगाने के लिए कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन बीइंग अ गर्ल, आप जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई लड़की है उसका भी स्टार्ट हुआ है मंथली साइकिल या स्टार्ट होने वाला है, उसको इस कप को जरूर आप गिफ्ट करो या फिर उसको इस कप के बारे में जरूर बताओ, उन मदर्स को बताओ जिनकी लड़कियां इस उसमें आ रही हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी लड़कियों को ये एक बार बता दिया तो उनको बिल्कुल भी अनकम्फर्ट फील नहीं होगा, उनकी गर्ल्स जो उनकी बेटियां हैं जिन चीज़ों की वजह से पीछे काम नहीं दे पाती थी, इवन उनका कोई खेल छूट जाता था, इवन किसी चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी अपनी डेट की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, जैसे मेरा जब हुआ था तो मेरा एग्जाम छूट गया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था और ये सारी चीजें थी नहीं, अगर ये चीज होती तो मेरा शायद वो एग्जाम ना छूटता, फाइनल नहीं थे टचवुड जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर फाइनल होते तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि फाइनल एग्जाम भी वो ड्रॉप करते होंगे, लेकिन अगर इस कप के बारे में मुझे तब पता होता तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। साथ ही साथ अगर आपके अगर अड़ोसी पड़ोसी, आपकी सिस्टर, आपकी बेटी की बेटी है तो उसे ये कप गिफ्ट करिए, गिफ्ट के साथ साथ आप उसे इसके बारे में बताइए कि कैसे यूज करना है, और अगर उसने एक बार ये यूज कर लिया तो उसकी लाइफ जो है बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों से वो निजात पाने वाली है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया कि ये इको फ्रेंडली है, इसके में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं है, हाउ टू यूज़, इसे यूज़ करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, एक क्लिप के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट वीडियो में जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो एक डायग्राम के थ्रू समझाया था, आप लोगों को याद भी होगा वो डायग्राम के थ्रू समझाया था, आज मैं आपको एक क्लिप यानी एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आपको इसे यूज करना है। डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और इस टाइम मैंने फुल दिखाया कि किस तरह से आपको मेंस्ट्रुअल कप को इस तरह से यूज करके जस्ट हल्का सा टेढ़ा करके करते हुए डालना है, और मैं जो और साथ ही साथ इसके साथ मुझे ये जो पैकेजिंग है काफी क्यूट सी लगती है, अगर आपने इसे ऐसे डाला और अपनी पर्स में कहीं रख लिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है और कैसे यूज करते हैं, मतलब क्या है, अगर आपने जस्ट इसको ऐसे निकाला जस्ट वॉशरूम में लेके चले गए तो लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कि आप क्या ले जा रहे हो, पैक के साथ होता है तो लोग आइडिया लगा लेते हैं, हम कहीं बैठते हैं तो हमें अगर कभी स्टार्ट भी हो जाता है तो हम थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करते हैं पर्स से निकाल के देन ले जाना, लेकिन अगर आपने कहीं पे हैं अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं बिल्कुल भी अनकम्फर्ट फील नहीं होगा। अब मैं बताऊंगी कि कुछ डू एंड डोंट्स हैं यानी कुछ सावधानियां हैं जिसको यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है। फर्स्टली आपको अपने हैंड पूरी तरह से क्लीन करने हैं नॉर्मल सोप से, नॉर्मल किसी भी तरह से नॉर्मल सोप से आपको यूज़ करना है, देन आपको इसे एक बार वॉश करना है यूज़ करने से पहले, अगर आपने रखा है हो सके तो गर्म पानी से लीजिए, गीजर ऑन करके गर्म पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए। आपको किसी भी इंटीमेट वॉश से, एवरटीन का भी इंटीमेट वॉश का रिव्यू मैंने दिया हुआ है, इंटीमेट वॉश से आपको अपनी वजाइना बहुत अच्छे से क्लीन करनी है। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हम गर्ल्स की बॉडी में 3 होल्स होते हैं, एक से यूरिन पास करते हैं, एक हमारा स्टूल पास करने के लिए होता है, एक हमारा पीरियड का होता है यानी कि जिससे हम गर्ल्स वुमेन बेबी को जन्म देते हैं, बेबी का बर्थ करते हैं। तो अगर आप अभी नए हो, छोटे हो तो आप क्या करो, एक मिरर लो, मिरर को बाथरूम में ले जाओ, बाथरूम को ऐसे मिरर लगा के देखो और देखो कि आपका अगर ब्लड आ रहा है, अगर आप हो उस समय अपने पीरियड्स के दिनों में तो आपको पता चल जाएगा, वरना आप उस चीज को वहां से चेक करो देन उसके बाद आप इसे लगाओ। देखिए
हम मतलब जो लोग बड़े हो चुके हैं, आफ्टर मैरिज हो चुकी है, सब कुछ उनको आई थिंक सब कुछ पता है, लेकिन अभी जो न्यू गर्ल्स हैं उनको इतने ज़्यादा नहीं पता होता है। तो उनके लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि मिरर लेके जाओ, देन उसके बाद करो। जब आप फर्स्ट डे मान लीजिए आपने, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक सेंसेशन सी होती है जब ये भर जाता है, वरना आप 6 to 7 hours का टाइम लेके चलो, वरना आपको सेंसेशन भी होगी। मुझे सेंसेशन हो जाती है कि ये भर गया है, बाथरूम में जाइए, इसके यहाँ से पकड़ के निकालिए, इसको अपने पॉटी एरिया में डाल के फ्लैश कर दीजिए, देन उसके बाद फिर इसे गर्म पानी से वॉश कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा गर्म पानी से वॉश करना है, देन उसके बाद फिर इंटीमेट वॉश से अपनी वजाइना को वॉश करिए, देन उसके बाद फिर इसे इंसर्ट कर लीजिए। कोशिश करिए दो रखिए, नहीं है तो एक से भी काम चल जाएगा। और फिर जब आपके पीरियड्स पूरी तरह से फिनिश हो जाए, जैसे कि 4 to 5 days हो जाए, मान लीजिए आपको 6 days आता है, 4 days तक हमें ज़्यादा होता है, 5 days अगर मे बी आप इसे यूज़ कर सकते हो, वरना आप पैंटी लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, वरना ये आप यूज़ करिए। साथ ही साथ आपको जब पीरियड्स ख़त्म हो जाए फिर आपको इसे एस्टरलाइज करना है, बहुत अच्छे से रुई से पोंछ के आपको इसमें करके रख देना है, 10 साल चलेगा। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, साथ ही साथ ये हैशटैग फिक्स योर पीरियड, इसे फैलाइए, बहुत ज़्यादा फैलाइए इस हैशटैग को, इस मेरी मुहिम को कि फिक्स योर हैशटैग, फिक्स योर पीरियड्स। तो इसे बहुत ज़्यादा, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। क्वेश्चंस जो भी आपके मन में हो, मतलब इवन किस इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो के नीचे पुट करिए, मैं हर उसका आंसर दूंगी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जिस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्वेश्चन जो भी हो पूछिए, जैसे कि हर गर्ल्स को, हर बड़ी वुमेन को, हर सबको इसके बारे में नॉलेज है। जैसे कि पहले लोग कपड़ा यूज़ करते थे, फिर सैनिटरी पैड्स पे आए, अब धीरे धीरे हम इस पे आएंगे, तभी तो अवेयरनेस बढ़ेगी जब हम सब साथ होंगे। और हम ही लोगों की ये ड्यूटी है कि इस वीडियो के थ्रू हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जैसे कि मैंने लास्ट में कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट अभी भी किया था, साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में बताया था, सेम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के इसको इसके बारे में नॉलेज हो। अपनी फैमिली में मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे इंसिस्ट किया, और उन्होंने इसे यूज़ भी किया। और अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप, तो लिंक नीचे है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एल साइज, तो आप देख लीजिएगा, एल साइज आई थिंक सबके लिए है, मैं भी एल साइज ही यूज़ करती हूँ। तो अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, और हाँ इसे याद रखिएगा, #fixyourperiod। तब के लिए बाय बाय।